वर्ष है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका तिरोभाव आता है, आविर्भाव नहीं आता, तो बहुत ही पवित्र दिन है। ऐसे दिन में इन महापुरुषों की कृपा का द्वार खुला रहता है, तो इनके संबंध में बहुत रोचक जो घटना हुई है वो मैं सुनाना चाहता हूँ। कुछ समय जो है आप लोगों से का ले रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या है कि बहुत कृपा प्राप्त होगी। और ये कुछ हंसी की घटना है, जहाँ हंसी आए तो हरी बोल भी आप लोगों को बोलना चाहिए, कुछ हंसने वाली घटना है, तो आप लोग सुनिए बड़े ध्यान से। ये 19 नवंबर 2014 की घटना है। इस दिन कालिया कृष्ण का तिरुभाव दिवस था, तो प्रद्युम्न प्रिया प्रभु अनेक वर्षों से मेरी सेवा में लगे हुए थे और इनकी मेरे प्रति सेवा की भावना इतनी अधिक है कि ये मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाते। परंतु आज पता नहीं इनके मन में क्या बात आई कि वे कुछ देर के लिए मेरी आज्ञा लिए बिना मुझे छोड़ करके मेरे कमरे से बाहर निकलकर आसपास के कुछ अन्य लोगों से बातें करते रहे। अब जैसे ही ये मेरे कमरे के अंदर आए और इन्होंने अपने मोबाइल में मेरा प्रवचन उसी बिंदु से चालू किया जिस बिंदु पर वो पहले से रुका हुआ था, उस समय एक अत्यंत आश्चर्य की घटना हुई। मोबाइल में प्रवचन चालू करते ही मेरे शब्द इस प्रकार निकले, आजकल के सेवक ऐसे होते हैं कि वे अपने स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा से कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। हरि बोल। अब ये कितने आश्चर्य की बात है कि श्री कृष्ण की व्यवस्था ऐसी हुई कि जिस समय प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने पहली बार मेरे सेवा में त्रुटि की, ठीक उसी समय मेरे पहले के प्रवचन में उसी प्रकार की त्रुटि का वर्णन निकल आया। श्री कृष्ण के ऐसे अद्भुत आश्चर्य को देखकर मैं और मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुई। आज किस घटना पर विचार करने पर मुझे एक अत्यंत गहरे रहस्य का पता चला। वैष्णव कैलेंडर के अनुसार आज शिला काली कृष्णदास का तिरुभाव दिवस था। आज प्रातःकाल की कक्षा में मैंने शिला काली कृष्ण के जीवन चरित्र के विषय में चर्चा की थी। यद्यपि शिला काली कृष्णदास ब्रज लीला में श्री कृष्ण के लवंग नाम के अत्यंत घनिष्ठ सखा थे और चैतन्य लीला में श्री चैतन्य के अत्यंत निकट के सेवक थे, परंतु थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे कारण बने कि ये श्री चैतन्य की सेवा छोड़कर उनकी आज्ञा लिए बिना कुछ भ्रष्ट सन्यासियों की संगति में चले गए। बाद में ये पुनः श्री चैतन्य की सेवा में आ गए और अत्यंत लज्जित भी हुए। अब इसी लीला का मंचन आज के दिन हो गया। आज शिला काली कृष्णदास के का तिरुभाव दिवस था और उनके जीवन की सर्वोच्च मार्मिक घटना यही थी कि उन्होंने कुछ समय के लिए श्री चैतन्य की सेवा छोड़कर कुछ नीच सन्यासियों की संगति कर ली थी। अब इसी लीला का मंचन आज प्रद्युम्न प्रिया प्रभु की घटना के साथ हुआ। जिस प्रकार कालिया कृष्ण श्री चैतन्य के अत्यंत निकट के सेवक थे, उसी प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु भी मेरे अत्यंत निकट के सेवक हैं। फिर जिस प्रकार कालिया कृष्ण ने कुछ समय के लिए श्री चैतन्य की सेवा छोड़कर उनकी आज्ञा लिए बिना कुछ देर के लिए व्यर्थ की संगति की, उसी प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने मेरी आज्ञा लिए बिना कुछ देर के लिए व्यर्थ की संगति की। फिर बाद में जिस प्रकार कालिया कृष्ण श्री चैतन्य की सेवा में लौट आए और लज्जित भी हुए, उसी प्रकार प्रद्युम्न प्रिया प्रभु बाद में मेरी सेवा में लौट आए और लज्जित भी हुए। कि श्री कृष्ण की व्यवस्था थी कि कालिया कृष्णदास के तिरुभाव दिवस पर श्री चैतन्य की उनके साथ जो लीला हुई थी उस लीला का पूरा मंचन आज के दिवस पर हुआ। श्री कृष्ण के ऐसे घटनायोग को देखकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। आज की घटना पर विचार करने पर मुझे एक अन्य अत्यंत गहरे रहस्य का पता चला। चूँकि ये दिन कालिया कृष्ण के तिरुभाव का था और कालिया कृष्ण के जीवन की सर्वोच्च मार्मिक घटना का आज मंचन भी हुआ, परंतु अब समझने की बात यह है कि मेरी आज्ञा लिए बिना प्रद्युम्न प्रिया प्रभु व्यर्थ की संगति करने के लिए जिस स्थान पर गए थे, उस स्थान में अत्यंत सुंदर और विशाल आकार में श्री कृष्ण की मूर्ति कालिया सर्प के 17 फणों के साथ युद्ध करते हुए बनी हुई है। तो आप लोग देखते हैं ना हमेशा कालिया कृष्ण। ये भी एक आश्चर्यजनक रहस्य है कि प्रद्युम्न प्रिया प्रभु ने जिस स्थान पर व्यर्थ की संगति की वह स्थान भी कालिया कृष्ण का ही था। हरि बोल। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कालिया कृष्ण के तिरुभाव दिवस के अवसर पर कालिया कृष्ण के जीवन की घटना का मंचन कालिया कृष्ण के ही स्थान पर हुआ। श्री कृष्ण की योग शक्ति के द्वारा, ये क्या है, श्री कृष्ण की योग शक्ति के द्वारा केवल घटना का ही योग नहीं हुआ बल्कि स्थान का भी योग बन गया। श्री कृष्ण के द्वारा घटना और स्थान के ऐसे आश्चर्यजनक
योग को समझकर मैं तथा मेरे संगी अत्यंत विस्मित तथा बार बार हर्षित हुए। हरि बोल। तो देखिए ये जो काली कृष्ण का जो है आज तिरुभाव दिवस है, तो बताया इन्होंने पढ़ के सुनाया कि 12 जो गोपाल हैं, द्वादश गोपाल में से 9 गोपाल लवंग सखा के अवतार हैं। गौर लीला में काली कृष्ण हैं और ब्रज लीला में ये लवंग नाम के सखा हैं, तो बहुत घनिष्ठ सखा हैं। लेकिन भगवान चैतन्य ने जो है काली कृष्ण को एक जो है मतलब निमित्त बना करके जो है शिक्षा दी, हम लोगों को बड़ी शिक्षा दी। तो काली कृष्ण क्या हुए कि वो भट्ट थारियों के जो है संगति में चले गए और जो है वो चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में वो कथा आती बड़े विस्तार से आती है। और वहाँ जो है भट्ट थारियों की संगति में चले गए और चैतन्य महाप्रभु सवेरे जब उठे तो काली कृष्ण धारा, तो वो जो है पास के उनके जो है ग्रुप में गए कि जहाँ पर वो लोग ठहरे हुए थे, बड़े नीच वो जो है स्त्री की संगति का जो है प्रलोभन दे करके जो है काली कृष्ण को जो है मतलब फोड़ लिया, चैतन्य महाप्रभु से अलग कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु आए उनके पास और उन लोगों से बोले कि भाई आप लोग इतने सन्यासी हैं और मैं अकेला सन्यासी, मेरे पास केवल एक ही जो है सेवक था, उसको आप लोगों ने ले लिया, ये कहाँ का न्याय है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से बोले तो उनके पास तो सब जो है शक्ति थी उनका जो है, उनके पास हथियार भी थे, तो बहुत लोग थे, तो मिल करके चैतन्य महाप्रभु को अपने हथियारों से जो है प्रहार करने के लिए आए। उनके पास तलवार भाला बरछी सब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जो है प्रहार करने लगे। भगवान की इतनी शक्ति है कि उनके पास कोई हथियार नहीं, लेकिन तो भी कुछ भगवान के लिए भय नहीं है। तो भगवान की शक्ति ऐसी काम कर रही थी उस समय कि जैसे भगवान चैतन्य के ऊपर प्रहार कर रहे थे तो उनके ही सिर फूटने लगे, अपने हथियार उनके ही सिरों में लगने लगे और उनके सिर फूटे और फिर भागे, और भागे फिर काली कृष्णदास के जो है बाल पकड़ करके चैतन्य महाप्रभु अपने पास ले आए और वो बहुत लज्जित भी हुआ। और बाद में जब भगवान जगन्नाथपुरी वापस आए तो सबके सामने काली कृष्ण को खड़ा किया और बोले कि इसको मैं अपने साथ ले गया था और इसने जो है मेरी संगति छोड़ दी थी और मैं इसको फिर भी यहाँ लेकर के आया क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी थी कि मैं जहाँ से ले गया इसको वहीं पर मैं लेके आया हूँ, अब ये इसको मैं छोड़ रहा हूँ, अब इसकी जो इच्छा हो तो अब जाए जहाँ जाना है जाए। इस प्रकार से भक्तों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा कहा तो फिर काली कृष्ण जो है रोने लगे, अब बहुत रोए है ना। तो फिर जो है चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल जो है कठोर बने रहे और जो है फिर काली कृष्ण के ऊपर जो है नित्यानंद प्रभु और दूसरे भक्तों ने दया की। तो चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि आप जो है यहाँ जगन्नाथपुरी में रहते हैं और माता सची जो है वहाँ नवद्वीप में रहती हैं, तो माता सची का समाचार आपको देने के लिए और आपका समाचार सची माता को देने के लिए कोई तो सेवक होना चाहिए। तो भगवान चैतन्य बोले हाँ ठीक है, कोई सेवक होना चाहिए तो आप लोग नियुक्त कर दो, जो भी सेवक चाहो नियुक्त कर दो। तो उन भक्तों ने काली कृष्ण को फिर इस सेवा में जो नियुक्त कर दिया। तो नवद्वीप से जो है जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी से नवद्वीप आते जाते थे और माता को जो है चैतन्य महाप्रभु का संदेश दिया करते थे। तो काली कृष्णदास का जो है आज तिरुभाव दिवस है, तो भगवान के इतने घनिष्ठ संगी होकर के भी माया के कोई प्रभाव में आ जाए तो बड़ी शिक्षा मिलती है हम लोगों को। हालांकि ये जो है केवल भगवान की लीला है ना, काली कृष्ण जो है भगवान के जो द्वादश गोपालों में से एक हैं, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं। लेकिन भगवान जो है लीला के द्वारा शिक्षा दे रहे हैं कि हम लोग इतने संगति में हैं लेकिन तो फिर माया से हमें बचना चाहिए। और यहाँ पर भी बताया उमापति जो है, उमापति ने जो है मतलब छोड़ दिया, इस्कॉन छोड़ दिया, फिर वापस आ गए प्रभुपाद की सेवा में आ गए। फिर यहाँ दूसरा उपेंद्र की भी बात आई, उपेंद्र को भी प्रभुपाद जो है मतलब स्वयं ही जो है उपेंद्र प्रभुपाद को बता रहा है कि मैं जो है मतलब गलत जो है जो अवैध है स्त्री संगति में फंस गया, तो मैं क्या शादी कर लूँ। प्रभुपाद ने कहा नहीं शादी मत करो, अपने भोजन में जो है वो कुछ सुधार करो, चपाती में जो है मक्खन ना लगाओ, सूखी चपाती खाओ है ना, और जो है वो आधा पेट भोजन करो, पूरा पेट भोजन में आधा पेट भोजन करो। इस कामेच्छा को जो है मतलब इस तरह नियंत्रित करने के लिए, तो ये बहुत बड़ी शिक्षा आज के प्रभुपाद लीला में बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है। और जो है काला कृष्णदास के जीवन से भी बहुत बड़ी
शिक्षा प्राप्त होती है। प्रभुपाद कहा करते थे कि मैं अब मेरे शिष्यों में यही कमी है कि वे माया से डरते नहीं हैं। तो माया से हमें हमेशा डरना चाहिए। और प्रभुपाद भी हमेशा अच्छा विग्रहों के सामने खड़े होते थे तो कुछ जैसे मान लो प्रार्थना कर रहे हैं तो किसी शिष्य ने पूछा कि आप अर्चा विग्रहों के सामने खड़े होके क्या प्रार्थना किया करते हैं प्रभुपाद? तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं यही प्रार्थना किया करता हूँ कि मैं माया में ना गिरूँ। तो प्रभुपाद मतलब शिक्षा दे, बहुत बड़ी शिक्षा है हम लोगों की, बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमेशा भक्तों की संगति में रहो और श्रवण कीर्तन करते रहो, प्रभुपाद के नियमों का पालन करते रहो, है ना, और हमेशा जो है डरते रहो कि जैसे भक्तों की संगति से बाहर निकलेंगे तो जो है हर जगह माया के आक्रमण हो रहे हैं, तो हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की, श्रील काली कृष्ण देव भावी महामहोत्सव की। हरे कृष्णा। महामहोत्सव।